गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेलुलर सिस्टम में किस तरह से ग्लूकोज बनाया जा सकता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से कैसे ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज, नए ग्लूकोज की सिंथेसिस को ही हम लोग नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब वो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम ग्लूकोज किससे बनाएंगे या किस तरह से हम डिफाइन करें ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे किस तरह का है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे दो तरह के होते हैं, या तो ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ए रिडक्टिव मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें हम ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। हम इस प्रक्रिया को नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जैसा कि पिछले मेटाबॉलिक पाथवेज को हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया था और आपको मैंने बताया भी कैसे मेटाबॉलिक पाथवेज की स्टडी करना है, ठीक है, उसी बेस पर हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है ये वो पाथवे है जिसमें हम ग्लूकोज बनाएंगे फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, ठीक है। अब वो पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर हमें स्टडी करना है, ठीक है। इन पॉइंट्स पर हमारे लिए मेटाबॉलिक पाथवे बेहद आसान भी होगा और हम टेक्निकली इस पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब भी दे पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा एम। क्या एम है इस पाथवे का, हम इसे क्यों रन कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लोकेशन। थर्ड पॉइंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंड फोर्थ पॉइंट रेगुलेशन। दूसरे पाथवेज की तरह जैसा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पाथवेज स्टडी किए थे उसी के बेस पर हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट एम क्या है, ये क्यों रन होता है, क्यों जरूरी है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट लोकेशन, हमारी सेल्स के लेवल पर ग्लूकोनियोजेनेसिस की रिएक्शंस कौन से कंपार्टमेंट में कंप्लीट होती हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि एनिमल में टिश्यू और ऑर्गन्स के लेवल पर ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन बायोकेमिकल रिएक्शंस, कितने स्टेप्स हैं, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन एंजाइम्स के बारे में, बायोकेमिकल रिएक्शंस को फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ इज रेगुलेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, इसके रेट को कब बढ़ाया जाता है और कब घटाया जाता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, या तो वो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एम, ग्लूकोनियोजेनेसिस का एम क्या है। तो हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में, ग्लूकोनियोजेनेसिस फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज। रिक्वायरमेंट जो ग्लूकोज की है उसको फुलफिल करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल के पास ग्लूकोज नहीं है उसे ग्लूकोज प्रोवाइड करना। एंड मल्टीसेलुलर में हम ये भी कह सकते हैं टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। जब हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट इंक्रीज कर जाएगा और हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। तो इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन ग्लूकोनियोजेनेसिस मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज क्यों हम बना रहे हैं, हम ब्लड में क्यों मेंटेन कर रहे हैं। हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए दूसरे भी सब्सट्रेट यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, जैसे कि हम लिपिड का यूज कर सकते हैं, प्रोटीन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज हमारे लिए क्यों इसेंशियल है। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है, सभी तरह की सेल्स में ये ऑपरेट होता है, सभी सेल्स ग्लूकोज बनाने की कैपेसिटी रखती हैं, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, समझ पा रहे। तो उसका आंसर ये है कि ग्लूकोज
जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें कई सारे ऐसे टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं जो केवल ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं वो यूज़ करती हैं ग्लूकोज को ही एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, RBCs यूटिलाइज करती हैं ग्लूकोज, और हमारे किडनी में जो मेडुला पार्ट है वो भी यूटिलाइज करता है ग्लूकोज को। तो ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो केवल ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इस वजह से हमारे लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस एसेंशियल है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशंस में। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है लोकेशन। सेल के लोकेशन पर ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन से कंपार्टमेंट में कंप्लीट होती है, इसके एंजाइम्स कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो लोकेशन में यहां पर हम लोग दो पार्ट करने वाले हैं। जब हम किसी मेटाबॉलिक पाथवे की लोकेशन को डिस्कस करते हैं तो लोकेशन दो होती है। मल्टी सेलुलर में टिश्यूज ऑर्गन्स के लेवल पर एक लोकेशन हो गया और एक लोकेशन हो गया सेल के लेवल पर। ठीक है, तो लोकेशन में एक तो हो गया सेलुलर और दूसरा हो गया ऑर्गन। तो सेलुलर लोकेशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन से कंपार्ट में कंप्लीट होती है, क्या ये साइटोसोल में कंप्लीट होगी, क्या इसके सारे एंजाइम साइटोसोल में लोकेटेड हैं, या ये माइटोकांड्रिया में या ईआर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब हम यहाँ से देंगे कि कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे कौन से कंपार्टमेंट में रन होता है, जैसा पिछले क्लासेस भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कि कई सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में ही रन होने वाला पाथवे। ग्लूकोनियोजेनेसिस की कुछ शुरुआती स्टेप कंप्लीट होते हैं माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में, देन ये पाथवे शिफ्ट होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल में इसके कई सारे एंजाइमेटिक स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और इसका एक स्टेप ईआर में भी कंप्लीट होता है। तो हम ये कह सकते हैं सेल के लेवल पर माइटोकांड्रिया कामा साइटोसोल एंड ईआर वो कंपार्टमेंट है जहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइमेटिक स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस कंप्लीटेड इन साइटोसोल। बहुत सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं साइटोसोल में, जो आगे हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस में डिस्कस करने वाले हैं कितनी रिएक्शंस हैं और कौन सी रिएक्शंस कहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है ऑर्गन। मल्टी सेलुलर में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्राइमरली होती है लीवर में, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्राइमरली अकर्स इन लीवर, लीवर सेल्स में होता है। लीवर सेल्स को हम लोग हिपेटोसाइट्स भी कहते हैं, हिपेटोसाइट्स। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम लोगों में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली होता है लीवर में, हिपेटोसाइट्स कहते हैं। लीवर में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें क्या नाम देते हैं, हिपेटोसाइट्स। तो लीवर सेल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्राइमरली होती है। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज सिंथेसिस की प्राइमरली साइट कौन सी है वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, लीवर। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन को डिस्कस किया, सेल्स के लेवल पर माइटोकांड्रिया साइटोसोल एंड ईआर इन्वॉल्व होंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और ऑर्गन के लेवल पर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो मेनली होता है लीवर में। अब हम लोग अगले स्टेप में आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और आपको उसी के बारे में पढ़ना भी है, बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले एंजाइम्स, एंजाइमेटिक स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, और ग्लूकोज तक हम किस तरह से पहुँचेंगे। यहाँ पर हमें जो कंपार्टमेंट हैं सेल के उनकी भी स्टडी करनी होगी, कौन से कंपार्टमेंट में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में 11 एंजाइमेटिक स्टेप्स आते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ 11 एंजाइमेटिक स्टेप्स, ये 11 एंजाइमेटिक स्टेप्स का पाथवे है, ठीक है, जिसमें से 7 एंजाइम्स, 7 स्टेप्स जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के हैं वो वही है जो हम ग्लाइकोलिसिस में यूज करते हैं, बस यहां पर वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यूज 7 एंजाइमेटिक स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस,
ग्लूकोनियोजेनेसिस टोटल 11 एंजाइमेटिक स्टेप्स का है, उसमें से 7 एंजाइमेटिक स्टेप्स हम यूज करेंगे ग्लाइकोलिसिस के, और वो सारे एंजाइमेटिक स्टेप्स हम ग्लाइकोलिसिस के यूज करने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो 7 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच आर रिवर्सिबल, विच रिवर्सिबल, जो कैसे हैं, रिवर्सिबल है। तो एक क्वेश्चन और यहां से होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ए रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सिबल पाथवे है, ये क्वेश्चन कॉमन रहता है। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सिबल प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस को रिवर्स कर दो और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं, बहुत सारे टीचर भी ऐसा बोलते रहते हैं बार बार, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये क्यों रिवर्सिबल नहीं है, हमने तो ऐसा ही पढ़ा हुआ है, कुछ लोग ऐसा बोलते भी, इवन टीचर्स भी पढ़ाते हैं इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का ही रिवर्सिबल प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब वो कारण क्या है मैं यहां बता रहा हूं, थोड़ा हम लोग इनको कंपेयर करेंगे कि ये रिवर्सिबल है या नहीं है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और हम लोग ये स्टडी करने की यहां कोशिश कर रहे हैं, मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको ये रिवर्सिबल है या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं ये रिवर्सिबल है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट क्या है? ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट है सुगर, ठीक है, 6 कार्बन सुगर, और यदि हम लोग आगे भी जाए 3 कार्बन सुगर्स, तो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। मेनली आप ग्लूकोज से पढ़ते हैं, 6 कार्बन और 3 कार्बन सुगर सबस्ट्रेट हो सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के, तो ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहां पर हम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यहां पर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट नहीं है, यहां पर हम ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करते हैं एज ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पाइरवेट, पाइरवेट एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। पाइरवेट, लैक्टेट, ऑल इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसी साइकिल, आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबस्ट्रेट कौन से ग्लूकोनियोजेनेसिस से, पाइरवेट है, लैक्टेट है, ठीक है, ग्लिसरॉल है, कुछ सर्टेन अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स। तो आप इस पॉइंट पर कंपेयर करें, ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, स्पेशली ग्लूकोज है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो क्या है, पाइरवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल या इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल। तो यहां पर पहले ही स्टेप में डिफरेंस आ गया है। दूसरे पॉइंट पर भी आते हैं, देखते हैं कि क्या ये रिवर्सिबल है या नहीं है, यदि रिवर्सिबल है तो क्या सेम तरह का प्रोसेस है, चलो आगे चेक करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम यूज करने वाले हैं, यदि ग्लाइकोलिसिस में आप देखें तो आप एटीपी यूज करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में हम 2 ATP क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम एटीपी ग्लाइकोलिसिस में हम एटीपी कंज्यूम करते हैं, फाइनली हम एटीपी बनाते भी हैं। यदि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में आए तो कंज्यूम एटीपी एंड जीटीपी, हम दोनों कंज्यूम करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में जीटीपी कहीं पर भी ना कंज्यूम होता है ना प्रोड्यूस होता है, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम जीटीपी भी कंज्यूम करते हैं। समझ पा रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में जब हम आते हैं तो ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस कंप्लीटेड इन साइटोसॉल, सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं साइटोसॉल में,
जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में आते हैं तो जो कंपार्टमेंट है, रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया कामा साइटोसॉल एंड ईआर, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कंप्लीट होती हैं। तो कंपार्टमेंट भी अलग अलग हो गए, रिवर्स होना था तो साइटोसॉल में रिवर्स हो जाते हैं, और यहां पर तो कई सारे कंपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यदि हम यहां ओवरऑल देखें ग्लाइकोलिसिस में, तो हमारा नेट एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो है 2 ATP एंड 2 NADH, 2 ATP और 2 NADH है, ये हमें प्रोड्यूस किया गया। हमने जब ग्लाइकोलिसिस में रन किया तो ये हमारा प्रोडक्शन है, टोटल 4 ATP प्रोड्यूस हुए, उसमें से हमने 2 क्या किए, कंज्यूम कर लिए। एरोबिक कंडीशन में NADH का भी हम यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, लेकिन जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में आते हैं तो वहां कहानी कुछ और है। जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम किया, यदि रिवर्सिबल होता तो जो 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं, 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं, इन्हीं को हम कंज्यूम कर लेते, लेकिन यहां डिफरेंसेस हैं। यहां पर हम यूज करते हैं 4 ATP कामा 2 GTP, टोटल 6 हाई एनर्जी फॉस्फेट कंज्यूम किए, ठीक है, एंड 2 NADH, हम 2 NADH भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें टोटल 11 एंजाइमेटिक स्टेप्स आते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स ही आते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। ग्लाइकोलिसिस में जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव है, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव है, हम यहाँ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल पाथवे नहीं है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ए इरिवर्सिबल पाथवे, ठीक है, और नॉट ए रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सिबल पाथवे नहीं है, और भी कई सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारा एम है ग्लूकोनियोजेनेसिस की स्टडी करना, ना कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंस क्रिएट करना। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, और आप लोग खुद डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने एंजाइमेटिक स्टेप्स हैं, 11। 11 में 7 एंजाइमेटिक स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के हैं, जो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, तो टोटल कितने बचते हैं, 4। 4 एंजाइमेटिक स्टेप्स ऐसे हैं जो यूनिक हैं ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो यूनिक स्टेप्स हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी जो रिवर्सिबल स्टेप ग्लाइकोलिसिस के हैं उनको उसी में हम लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम सबस्ट्रेट क्या यूज करेंगे। सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस से। यदि हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हमें एनिमल्स में आना होगा, और दूसरा मुझे प्लांट, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। हम लोगों ने यहां पर 2 ग्रुप कर लिए हैं। जब सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो यहां पर हम 2 ग्रुप कर सकते हैं। सबस्ट्रेट क्या हो सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एनिमल्स में, प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में, ठीक है। तो जब एनिमल्स की हम लोग बात करेंगे तो एनिमल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं केवल 3 कार्बन कंपाउंड या उससे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड से, ठीक है। जैसे 3 कार्बन कंपाउंड में पाइरुवेट, सेकेंड इज लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड ऑल इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA साइकिल। TCA साइकिल के सभी इंटरमीडिएट्स और कुछ अमाइनो एसिड्स। तो एनिमल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकती है केवल और केवल 3 कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। उसमें से बहुत ही कॉमन कंपाउंड है पाइरुवेट, ग्लिसरॉल, लैक्टेट है, ठीक है, ऑल इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA साइकिल। TCA साइकिल के सभी इंटरमीडिएट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में एज ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोज, ठीक है। और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज कर सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना है, हम दो कार्बन से कम के कंपाउंड को, जैसे कि एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटेट, ठीक है, हम एसिटेट को एज ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम एसिटेट को यूज नहीं कर सकते एनिमल्स में, लेकिन जब हम प्लांट में आते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं, तो इनमें ये तो सारे यूज ही हो सकते हैं, सारे तीन कार्बन कंपाउंड और जो चार कार्बन पांच कार्बन कंपाउंड है वो यूज कर सकते हैं फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स, ये दो कार्बन कंपाउंड जैसे कि एसिटेट, जब हम उसके साथ विटामिन B5 जोड़ देते हैं तो को इंजाइम ए जोड़ते हैं तो एसिटाइल को इंजाइम ए कहते हैं, तो दो कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो जब प्लांट और फंजाई में हम लोग लिखेंगे तो यहां पर यूज किए जा सकते हैं टू कार्बन कंपाउंड, थ्री कार्बन, फोर कार्बन कंपाउंड एज ए फोर कार्बन, फाइव कार्बन और सिक्स कार्बन, हम इनको यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। एनिमल सिस्टम दो कार्बन कंपाउंड यूज नहीं कर सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, तो प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन को एज ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब दो कार्बन कंपाउंड कौन हो सकता है, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, फैट के ऑक्सीडेशन से, पाइरवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तीन कार्बन में पाइरवेट, ग्लिसरॉल और लैक्टेट भी है, चार कार्बन में इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल कई सारे हैं, ठीक है, और सिक्स कार्बन में भी आप टीसीए के इंटरमीडिएट्स, और पांच कार्बन भी आप अल्फा कीटोग्लूटारेट इंक्लूड कर सकते हैं, तो प्लांट की यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है, उठता है कि एनिमल सिस्टम दो कार्बन कंपाउंड क्यों यूज नहीं कर सकता है एज ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, हम लोग अपनी बॉडी में स्टोर्ड फैट, जो हम लोगों ने फैट स्टोर किया इन फॉर्म ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, या ये कहूं कि फैटी एसिड्स को हम लोग कभी भी शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम उससे ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है मुझसे कि हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हम ग्लूकोज की सिंथेसिस फैट से क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। हम शुगर को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हायर एनिमल्स जितने भी हैं वो शुगर को कन्वर्ट कर लेते हैं फैट में, जो भी एक्सेस शुगर है, बढ़ा हुआ जो हमारी बॉडी में शुगर होता है उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं फैट में और स्टोर कर लेते हैं। लेकिन यदि हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो हम फैट का कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम क्यों नहीं कर सकते, उसके दो कारण है हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया, जब पाइरवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है एरोबिक कंडीशन में, पाइरवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं एरोबिक कंडीशन में, तो कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एंजाइम है पीडीएच कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन में एक CO2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन पाइरवेट का रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ CO2। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है एरोबिक कंडीशन में, पाइरवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा होना एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एक थ्री कार्बन कंपाउंड है और ये एक टू कार्बन कंपाउंड है। यदि एक बार पाइरवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में तो हम इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। पीडीएच कॉम्प्लेक्स कैटेलाइजेस इररिवर्सिबल ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, हम इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो एनिमल सिस्टम में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो दो कार्बन कंपाउंड का नेट कन्वर्जन कर सके थ्री कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। तो पहला आंसर क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो दो कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए का नेट कन्वर्जन कर सके थ्री कार्बन कंपाउंड पाइरवेट या लैक्टेट या कोई भी अदर ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्जन नहीं कर पाता है। एक बड़ा कारण ये भी है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि प्लांट में क्या पाइरवेट पीडीएच कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल होते हैं? यदि मैंने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन पाइरवेट में नहीं हो सकता है क्योंकि पीडीएच कॉम्प्लेक्स इरिवर्सिबल रिएक्शन कैटेलाइज करता है, तो प्लांट दो कार्बन कंपाउंड से शुगर बना सकते हैं, वो फैट से शुगर बना सकते हैं, तो क्या उनके सिस्टम में ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल है? ये भी सही नहीं है, वहां भी ये इरिवर्सिबल है, तो फिर कैसे कर सकते हैं?
तो प्लांट में फंजाई और बैक्टीरिया में एक एडिशनल मेटाबॉलिक पाथवे है जिसे हम लोग ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल कहते हैं। कौन सा पाथवे? ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल। ये एक यूनिक मेटाबॉलिक पाथवे है प्लांट्स फंजाई और बैक्टीरिया में जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल। ये पाथवे स्पेसिफिक है कन्वर्जन ऑफ टू कार्बन कंपाउंड्स टू फोर कार्बन कंपाउंड। ये पाथवे दो कार्बन कंपाउंड का नेट कन्वर्जन करता है फोर कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। और ये बिल्कुल जस्ट एक इंटर कह सकते हैं अल्टरनेटिव साइकिल ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में जो दो कार्बन रिलीज होते हैं इन फॉर्म ऑफ सीओ टू, यहां पर इस पाथवे में दो कार्बन रिलीज नहीं होते इन फॉर्म ऑफ सीओ टू। तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है कि हम लोग ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल को डिस्कस करें, लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबस्ट्रेट क्या है। तो एनिमल सिस्टम में तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन या छह कार्बन कंपाउंड ही सबस्ट्रेट हो सकते हैं फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। दो कार्बन कंपाउंड नहीं हो सकता है। जब भी फैट का ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो केवल और केवल एसिटाइल कोएंजाइम जनरेट होते हैं, टू कार्बन कंपाउंड जनरेट होते हैं, ठीक है। तो दो कार्बन कंपाउंड आने की वजह से हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे थ्री कार्बन में। इस वजह से एनिमल सिस्टम फैट का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में नहीं कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ प्लांट फंजाई और बैक्टीरिया ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक एडिशनल पाथवे है जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्लाई ऑक्सीलेट पाथवे। इसके द्वारा वो नेट कन्वर्जन कर लेते हैं दो कार्बन कंपाउंड का चार कार्बन कंपाउंड में, जैसे कि ऑक्सीलोएसीटेट में, और देन वो उसको रिवर्स कर देते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने स्टडी किया है कौन से सबस्ट्रेट है, तो पाइरुवेट, ग्लिसरॉल, लैक्टेट, ऑल इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल, और एनिमल प्लांट में हमने डिस्कशन भी किया कि क्या हम ग्लूकोज बना सकते हैं फैट से या नहीं बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको इसके ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो कई सारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, लेकिन हम लोग यहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं पाइरुवेट से। किससे पढ़ेंगे? पाइरुवेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम पाइरुवेट। पाइरुवेट का सोर्स क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पाइरुवेट, ठीक है। कभी कभी ज्यादा मस्कुलर वर्क हो जाने की वजह से जो कन्वर्जन है ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट का, वो लैक्टेट में हो जाता है, और लैक्टेट फाइनली फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हमारे लिवर में। लिवर में लैक्टेट को रीऑक्सीडाइज कर देते हैं पाइरुवेट में, और वहाँ जो पाइरुवेट बनता है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। तो हम ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में यहाँ सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं पाइरुवेट, ठीक है। पाइरुवेट एक थ्री कार्बन कंपाउंड है, समझ पा रहे हैं, और प्रोड्यूस होता है साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबसे पहले पाइरुवेट को इंटर करना होगा माइटोकांड्रिया में। कहाँ इंटर करता है? माइटोकांड्रिया में, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हम सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं पाइरुवेट, सबसे पहले पाइरुवेट इंटर करता है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल होती है, ठीक है, और मैंने सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ाया भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिंस, तो ये फ्रीली परमिएबल है सभी मेटाबॉलिक कंपाउंड्स के लिए। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से ही बायोमोलिक्यूल्स या अदर कोफैक्टर्स इंटर करते हैं मैट्रिक्स में। तो पाइरुवेट इंटर करता है सबसे पहले माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में पाइरुवेट का कन्वर्जन किया जाएगा ऑक्सीलोएसीटेट में। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीलोएसीटेट में। इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग इस बोर्ड पर ही प्रॉपर इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो पाइरुवेट को जब भी हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में ले जाएंगे तो पाइरुवेट सबसे पहले कहाँ इंटर करेगा? माइटोकांड्रिया में, ठीक है। और माइटोकांड्रिया में इसका कन्वर्जन हमें ऑक्सीलोएसीटेट में करना होगा, और देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में करना होगा, ठीक है। क्यों करेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। पहले मैंने आपको बता दिया है
टोटल कितने रिएक्शंस हैं, 11 रिएक्शंस हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जिसमें से 7 रिएक्शन इररिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है। तो टोटल 11 रिएक्शन में 7 रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के हैं जिनको रिवर्स कर सकते हैं, कितने बच रहे हैं, 4। 4 जो रिएक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस की वो यूनिक है, वो ग्लाइकोलिसिस की नहीं है। उनमें से पहली 2 रिएक्शन और लास्ट में जो हम लोग आएंगे तो लास्ट की 2 रिएक्शन है जो यूनिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। तो हम लोग यूनिक रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिस्कस कर लेंगे, बाकी मैं ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ा चुका हूं उसी को हम लोग रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम पाइरवेट से ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो पाइरवेट का कन्वर्जन हमें करना होगा फॉस्फोइनोल पाइरवेट में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में जब फॉस्फोइनोल पाइरवेट का कन्वर्जन हुआ था पाइरवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरवेट, और जब हमने इसे बदला था पाइरवेट में तो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ था पाइरवेट काइनेज, एंजाइम था पाइरवेट काइनेज, और ये रिएक्शन इररिवर्सिबल थी। तो हम पाइरवेट को डायरेक्ट फॉस्फोइनोल पाइरवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू इररिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ पाइरवेट काइनेज। तो जब भी हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पाइरवेट से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें यदि हम लोग पाइरवेट को किसी तरीके से फॉस्फोइनोल पाइरवेट में बदल लें तो हम इसको रिवर्स करते जाएंगे, फॉस्फोइनोल पाइरवेट से हम आगे बना लेंगे, ठीक है, 2-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, ग्लिसरेडिहाइड और जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6-biphosphate, ये सारी रिएक्शन हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो यदि हमने एक बार पाइरवेट से फॉस्फोइनोल पाइरवेट बना लिया तो हम ग्लाइकोलिसिस की मोस्ट ऑफ रिएक्शंस को रिवर्स कर देंगे और पहुंच जाएंगे फ्रक्टोज 1,6-biphosphate। वहां पर हम एक नया एंजाइम यूज करेंगे फ्रक्टोज 1,6-biphosphatase, जो फॉस्फेट को रिमूव करेगा फ्रॉम फर्स्ट पोजिशन, ठीक है, और इस तरह से हम कंपाउंड बना लेंगे फ्रक्टोज 6-phosphate। फ्रक्टोज 6-phosphate को आइसोमराइज करेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे ग्लूकोज 6-phosphate। अब एक सिंगल स्टेप बचा है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, हम ग्लूकोज की 6 पोजिशन से फॉस्फेट को हटा देंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और जो फॉस्फेट हटाने वाला एंजाइम है वो ग्लूकोज 6-phosphatase, और इस तरह से कंपाउंड कौन बनेगा, ग्लूकोज। ओवरऑल कहने का मतलब यह है यदि हम किसी तरीके से पाइरवेट को बदल देते हैं फॉस्फोइनोल पाइरवेट में तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो हमारे लिए बेहद आसान है, हम मोस्ट ऑफ रिएक्शंस क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स यूज करके, और लास्ट में हमें केवल 2 एंजाइम्स यूज करने होंगे, 2 फॉस्फेटेज यूनिक एंजाइम हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाइरवेट काइनेज की एक्टिविटी इररिवर्सिबल है। तो क्वेश्चन आता है कि पाइरवेट को हम कैसे फॉस्फोइनोल पाइरवेट में बदलेंगे, ठीक है। तो पाइरवेट का फॉस्फोइनोल पाइरवेट में कन्वर्जन करने के लिए हमें पाइरवेट को ले जाना होगा माइटोकांड्रिया में, कहां ले जाना होगा, माइटोकांड्रिया में। तो हम लोग इसको इस तरह से कंपार्टमेंट चेंज करते हैं, ये है साइटोसोल और ये है माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकांड्रिया का मैट्रिक्स है, बीच में हम लोगों ने 2 मेम्ब्रेन्स बनाई हुई है, और इस तरह से डिस्कस करेंगे किस तरह कौन कौन सी रिएक्शंस माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होगी, फिर हम रिटर्न होकर के वापस आएंगे साइटोसोल में, और साइटोसोल में ही ग्लूकोज के लिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और एक कंपार्टमेंट हम लोग यूज करेंगे ER ल्यूमेन, ठीक है। तो सबसे पहले पाइरवेट इंटर होगा माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में यहां पाइरवेट का कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, पाइरवेट पर एक कार्बन ऐड किया जाएगा और यह कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, इसमें कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, CO2 प्लस H2O, HCO3, CO2 को H2O के साथ वाटर के साथ कंडेंस किया, कौन सा कंपाउंड बना, बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रेटेड कार्बन है, ठीक है। हाइड्रेटेड कार्बन को ऐड किया जाएगा किस पर, पाइरवेट के साथ, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या होगा, पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, एंजाइम का नाम है पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, और इस रिएक्शन में हम यूज करेंगे एक ATP, इस रिएक्शन में एक ATP हाइड्रोलाइज किया जाएगा ADP+PI, ठीक है। तो पाइरवेट का सबसे पहले कन्वर्जन कर दिया जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, एंजाइम का नाम है पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, और ये एक हाइड्रेटेड कार्बन इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट
कोवेलेंटली ऐड करेगा पाइरवेट पर और कंपाउंड बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट विद इन माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के अंदर ही ऑक्सैलो एसीटेट का सबसे पहले अगले स्टेप में रिडक्शन किया जाएगा, ठीक है, और इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा मैलेट में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मैलेट में। और मैलेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका रिडक्शन करना होगा, NADH, NAD+। जैसा कि हम लोग TCA साइकिल में डिस्कस करते हैं, मैलेट को जब ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सैलो एसीटेट में तो एक NAD रिड्यूस होता है NADH में। यहाँ पर हम रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सैलो एसीटेट को जब हम कन्वर्ट करेंगे मैलेट में तो ये ऑक्सीडाइज जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होगा NAD+ में, और NADH के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ऑक्सैलो एसीटेट पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, ठीक है। एंजाइम का नाम मैलेट डिहाइड्रोजनेज। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, हम ऑक्सैलो एसीटेट को क्यों रिड्यूस कर रहे हैं मैलेट में, ऑक्सैलो एसीटेट का हम रिडक्शन मैलेट में क्यों कर रहे हैं? तो उसके दो कारण हैं मैलेट में रिड्यूस करने के। एक तो ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकांड्रियल इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो हम ऑक्सैलो एसीटेट को साइटोप्लाज्म में ला नहीं सकते, समझ पा रहे हैं? और सेकेंड कारण यह है कि जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे, हम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को रिवर्स करेंगे ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो वहां पर हमें NADH की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमें NAD कंज्यूम करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? तो जो हमने ऑक्सैलो एसीटेट को रिड्यूस किया है मैलेट में, इसी मैलेट को जो हम साइटोसॉल में ले जाएंगे, साइटोसॉल में इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेंगे, साइटोसॉल में इसका फर्दर हम ऑक्सीडेशन कर लेंगे, और इस तरह से हमें साइटोसॉल में एक NADH भी मिलेगा। तो फाइनली हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? मैलेट। अब ये मैलेट ट्रांसपोर्टर के द्वारा साइटोसॉल में आएगा, जो पाइरवेट हम साइटोसॉल से लेकर के आए थे उसको फाइनली हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें? मैलेट में। मैलेट को ट्रांसपोर्ट करके कहां लाते हैं? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में मैलेट को रीऑक्सीडाइज कर देंगे, ये वाली रिएक्शन रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने से साइटोप्लाज्म में एक NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH में, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एनर्जी है जिसका यूज हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में करेंगे और कंपाउंड बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। तो पाइरवेट से हमने ऑक्सैलो एसीटेट बनाया विद इन माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया से हमने ऑक्सैलो एसीटेट को बाहर निकाला इन फॉर्म ऑफ मैलेट, ठीक है, और मैलेट का रीऑक्सीडेशन किया साइटोसॉल में, जनरेट किया NADH, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसीटेट का कन्वर्जन हम कर लेंगे पाइरवेट में। किसमें कन्वर्जन कर लेंगे? पाइरवेट में। ऑक्सैलो एसीटेट एक 4-कार्बन कंपाउंड है जबकि फॉस्फोइनॉल पाइरवेट एक 3-कार्बन कंपाउंड है, तो हमें एक कार्बन निकालना है, ठीक है, तो यहां पर हम एक कार्बन निकालेंगे, एक CO2 को, यहां पर हमने कार्बन को निकाला इन फॉर्म ऑफ CO2। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लें, जो यहां पर हमने बाइकार्बोनेट ऐड किया था, जो कार्बन हमने पाइरवेट पर ऐड किया था और बनाया था ऑक्सैलो एसीटेट, हम सेम वही कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट को जब ऑक्सीडाइज करेंगे फॉस्फोइनॉल पाइरवेट में तो रिमूव कर देंगे, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट एक नॉन फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है जबकि फॉस्फोइनॉल पाइरवेट एक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, ठीक है, तो हमें यहां पर इसका फॉस्फोराइलेशन भी करना पड़ेगा, तो फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज किया जाएगा GTP, GDP एंजाइम का नाम है PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सी काइनेज। एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो इन साइटोसॉल ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इन फॉस्फोइनॉल पाइरवेट बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सी काइनेज। GTP को यूज किया गया, ठीक है, फॉस्फोराइलेट करने के लिए। तो ओवरऑल एक बार आप फिर चेक कर लें, पाइरवेट को यदि हमें फॉस्फोइनॉल पाइरवेट में ले जाना है तो हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाइरवेट काइनेज एक इरिवर्सिबल रिएक्शन कैटेलाइज करता है। तो पाइरवेट को हम ले गए माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में, सबसे पहले हमने कन्वर्जन किया पाइरवेट का ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है, बाय कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंजाइम का नाम था पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, एक ATP कंज्यूम हुआ, पाइरवेट ऑक्सैलो एसीटेट को रिड्यूस कर लिया
मैलेट में, यहाँ हमने एनएडीएस कंज्यूम किया, माइटोकॉन्ड्रियल एनएडीएस को कंज्यूम किया, मैलेट को हमने बाहर निकाला, ठीक है, और रीऑक्सीडाइज किया ऑक्सलोएसिटेट में, और यहाँ पर हमने एक जनरेट किया एनएडीएच, ठीक है। ये एनएडीएच हम यूज करेंगे 1.3 बाईफॉस्फेट को रिड्यूस करने को, 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करने के लिए। ऑक्सलोएसिटेट का हमने कन्वर्जन किया फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में। तो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और एक एंजाइम है फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। एक पाइरुवेट का नेट कन्वर्जन जब हमने किया फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में, तो हमने दो हाई एनर्जी फॉस्फेट खर्च किए। सेल ने कितने फॉस्फेट खर्च किए? दो हाई एनर्जी फॉस्फेट खर्च किए गए हैं, फ्रॉम पाइरुवेट टू ऑक्सलोएसिटेट एंड वन इज फ्रॉम ऑक्सलोएसिटेट टू फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो चार यूनिक स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, सात स्टेप ग्लाइकोलिसिस के रिवर्सिबल हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें से मैंने दो इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लो। पाइरुवेट का कन्वर्जन ऑक्सलोएसिटेट का केवल हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज की लोकेशन केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑक्सलोएसिटेट का कन्वर्जन मैलेट में हो सकता है। ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एज वेल एज साइटोसॉल, दोनों जगह मिलते हैं। साइटोसॉलिक मैलेट डिहाइड्रोजनेज और माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजनेज दोनों जगह पर हैं, तो हम आसानी से इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मैलेट को बाहर निकालेंगे, मैंने एक पीछे आपको बताया भी कि ऑक्सलोएसिटेट के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं है, इस वजह से हम मैलेट को ही बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, मैलेट को रीऑक्सीडाइज किया, एक एनएडीएच जनरेट कर लिया, ऑक्सलोएसिटेट का हमने कन्वर्जन कर लिया फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में। ठीक है, और एंजाइम का नाम था फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो एक पाइरुवेट का नेट कन्वर्जन फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में करने के लिए हमें इस पाथवे को रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने हमने एटीपी खर्च कर दिए हैं? एक एटीपी और एक जीटीपी, आप कलेक्टिवली कह सकते हैं दो हाई एनर्जी फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड हमने खर्च कर दिए। अब हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि यहां पर जो कार्बन हमने ऐड किया था, सेम वही कार्बन निकाल दिया इन फॉर्म ऑफ CO2। तो जो पाइरुवेट के कार्बन थे वो अभी भी कंजर्व है फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में, तो हम लोगों ने किसे बना लिया है? फॉस्फेनॉल पाइरुवेट को। रिएक्शन कहां पर है? साइटोसॉल में। अब हम लोग ओवरऑल पाथवे बना सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो पाइरुवेट से ग्लूकोज सिंथेसिस का जो पाथवे है वो ये है। अभी तक हम लोगों ने फॉस्फेनॉल पाइरुवेट तक पाइरुवेट को कन्वर्ट कर लिया था। फॉस्फेनॉल पाइरुवेट से हम ग्लाइकोलिसिस की रिवर्सिबल रिएक्शंस को यूज करेंगे और फॉस्फेनॉल को पाइरुवेट को बदलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जैसा ग्लाइकोलिसिस में हम लोग जा रहे थे, अब उसको रिवर्स करते हुए आना है। सेम एंजाइम है, रिएक्शन रिवर्स हो रही है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम बदलेंगे 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। ग्लाइकोलिसिस में आपने यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किया था। ठीक है, यहाँ पर हम एटीपी हाइड्रोलाइज करके फॉस्फोराइलेशन करेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, और कंपाउंड बनेगा 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा ग्लिसरेडलिहाइड 3-फॉस्फेट में। ठीक है, किसमें रिड्यूस कर देंगे? ग्लिसरेडलिहाइड 3-फॉस्फेट में। जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर NADH की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकला था, तो साइटोप्लाज्म में मैलेट को हम लोगों ने ऑक्सीडाइज किया था ऑक्सलोएसिटेट में, उस रिएक्शन में जनरेट किया NADH, वही NADH हम यहाँ यूज कर लेंगे रिडक्शन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जब पाइरुवेट बाहर आता है इन फॉर्म ऑफ मैलेट, तो वो NADH को भी जनरेट करता है साइटोसॉल में, जिससे जो रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एनर्जी है पाथवे में, जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो भी हमें मिल रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया न केवल शुरुआत की दो स्टेप कैटेलाइज कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, बल्कि वो एनर्जी सप्लाई भी दे रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, वो रिड्यूसिंग एनर्जी उसने सप्लाई की इन फॉर्म ऑफ NADH। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लिया ग्लिसरेडलिहाइड में।
समझ पा रहे हैं? इस तरह से एक कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का और लेकर के आएंगे हम और ग्लिसरेल्डिहाइड में उसे कन्वर्ट करेंगे, तो दो ग्लिसरेल्डिहाइड हो जाएंगे हमारे पास। उसमें से एक ग्लिसरेल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। ये भी ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है, प्रायोज आइसोमरेज एंजाइम, उसकी हम हेल्प से इसे कन्वर्ट कर देंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एक एल्डो सुगर है 3 कार्बन, और ये कीटो सुगर है, दोनों को कंडेंस किया जाएगा, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम कंडेंस करेगा और कंपाउंड बनेगा फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट। यदि हम ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करें तो ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट में, और यही ग्लाइकोलिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट में, और एंजाइम का नाम था PFK1, ठीक है। समझ पा रहे हैं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज 1, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। वो एंजाइम इरिवर्सिबल था, इस वजह से हमने, जब हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस में आएंगे तो फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एडिशनल एंजाइम, जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम नहीं है, ठीक है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्पेसिफिक एंजाइम है, वो कैटेलाइज करता है, जिसका नाम है फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम है? फॉस्फेटेज एंजाइम। वो क्या करेगा? फर्स्ट पोजिशन से फॉस्फेट को क्या किया? रिमूव कर दिया, हाइड्रोलाइज करके रिमूव करेंगे, किसी कंपाउंड पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, रिमूव कर दिया और कंपाउंड बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आइसोमराइज कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फॉस्फोहेक्सो आइसोमराइज एंजाइम, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज भी रिवर्सिबल रिएक्शन कैटेलाइज करता है, तो इस वजह से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में हम ग्लाइकोलिटिक एंजाइम से नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमें एक और एडिशनल फॉस्फेटेज चाहिए, उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस एंजाइम की लोकेशन ER ल्यूमेन में है। किस कंपार्टमेंट में है? ER ल्यूमेन में है, तो इस वजह से यह रिएक्शन, ये जो लास्ट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ये कंप्लीट होता है ER ल्यूमेन में, ठीक है। तो फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की लोकेशन ER ल्यूमेन में है, फाइनली ग्लूकोज कन्वर्ट, ग्लूकोज बनता है ER ल्यूमेन में जाकर के फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो पहले के दो स्टेप हमने कंप्लीट किए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, देन हम वापस आते हैं साइटोसॉल में। साइटोसॉल में हम लोग पाइरुवेट को कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 1.6, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक आते हैं, फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट तक हम रिवर्स हो जाएंगे, देन हम एक यूनिक एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस का फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेटेज से हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहां तक ग्लाइकोलिटिक ये पाथवे जो है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स यूज किए हैं, साइटोसॉल में रहेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में होगा ER ल्यूमेन में। इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस में 3 कंपार्टमेंट यूज होते हैं। पहला कंपार्टमेंट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनिशियल जो 2 स्टेप हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं, बाकी के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं साइटोसॉल में, और लास्ट का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है ER ल्यूमेन में। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ओवरऑल ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम कितने ATP और कितने NADH हम कंज्यूम करते हैं, तो एक पाइरुवेट का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में जब कन्वर्जन हुआ तो हमने 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कंज्यूम किए। कितने बॉन्ड? 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कंज्यूम किए, ठीक है, समझ पा रहे। और जब एक फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का हम ग्लिसरेल्डिहाइड तक कन्वर्जन करके लाए तो हमने 1 ATP और यूज किया और 1 NADH यूज किया। तो एक पाइरुवेट का ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक कन्वर्जन यदि हमें करना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो हम करते हैं, तो हम खर्च कर देते हैं 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड और 1 NADH। एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से हमें 2 पाइरुवेट चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, तो हमें 6 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एंड 2 NADH चाहिए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 हाई एनर्जी फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड चाहिए,
सिक्स बॉन्ड में से चार हाई एनर्जी बॉन्ड आते हैं, डोनेट किए जाते हैं एटीपी से, ठीक है, और दो हाई एनर्जी बॉन्ड डोनेट किए जाते हैं जीटीपी से, फास्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम और दो एनएडीएच, ठीक है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें सिक्स हाई एनर्जी बॉन्ड और दो एनएडीएच खर्च करने पड़ते हैं। इतनी एनर्जी तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से, जब हम उसे ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो रिलीज नहीं होती है। इस वजह से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, उतना तो हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलता नहीं, इस वजह से ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगले टॉपिक में हम लोग एक नया मेटाबॉलिक पाथवे डिस्कस करेंगे।